नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिसंबर को बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है और उसकी ड्रीम टीम बनाना आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप भी ड्रीम 11 के ऊपर अगर टीम बनाते हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन से खिलाड़ी सही रहेंगे इस टीम के लिए। और अगर आप भी एक अच्छी जेएल की टीम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं प्लेयर के स्टेट्स भी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ बताने वाला हूं और एक अच्छी जीएल की टीम बनाना सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको एक अच्छी जीएल की टीम बनानी है। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आप जब भी टीम बनाओगे तो आपके लिए काफी ज्यादा सहयोग हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ पर रहीम देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर लोकेश राहुल देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर ऋषभ पंत देखने को मिल जाते हैं, फिर हमको यहाँ पे किशन देखने को मिल जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश के और खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आपके मोस्ट खिलाड़ी कौन से रहेंगे वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि बैटिंग करने वाले में से हमको कौन से खिलाड़ी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको यहाँ पे विराट कोहली मिल जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा मिल जाते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश के इकबाल मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे शिखर धवन मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे लिटिन दास मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हाई परसेंटेज लेवल के खिलाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ये इनका परसेंटेज लेवल आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा हाई परसेंटेज खिलाड़ी है और इनको लेना आपके लिए सही रहेगा, आपकी जीएल की टीम के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा वो आज आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। और आप ये भी सीख जाओगे कि आपकी जो टीम है वो एक अच्छी जीएल की टीम किस तरीके से बनाई जाती है, वो सारा का सारा आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और नीचे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो मिलते हैं वो लो परसेंटेज खिलाड़ी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इनमें से ही आपको क्या करना है, खिलाड़ी को यहाँ पे चुनना है, लेकिन कितने खिलाड़ी चुनने हैं वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे ऑलराउंडर के अंदर अपने को कौन से खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम ऑलराउंडर वाले सेक्शन से देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी यहाँ पे हमको अवेलेबल दिख जाते हैं। तो गाइस, ऑलराउंडर के अंदर हमको सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पे साकिब हसन, इसके बाद यहाँ पे महमदुल्ला, इसके बाद हमको यहाँ पे अक्षर पटेल मिल जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे सुंदर मिल जाते हैं और इसके बाद हमको यहाँ पे हसन मिर्जा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि लो परसेंटेज खिलाड़ी है जिनको यहाँ पे कम सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन अब कौन से खिलाड़ी इनमें से आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही खेलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है अगर आप ऐसा सोचते हो। गाइस, अगर आप ये सोचते हो कि जिसके हाई परसेंटेज खिलाड़ी है वो ही अपनी टीम में रहना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो टीम है वो कभी भी 1 रैंक के ऊपर नहीं जाएगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको कौन से खिलाड़ी लेने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन बॉलिंग वाले सेक्शन से और एक नज़र यहाँ पर भी डाल देते हैं कि यहाँ पर हमको कौन से खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन से। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ से हमको काफ़ी सारे खिलाड़ी यहाँ पर न्यू देखने को मिलते हैं, यानी बांग्लादेश की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी हमको यहाँ पर कुछ खिलाड़ी यहाँ पर न्यू देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से कौन से खिलाड़ी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद शमी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इंडिया की तरफ से, और इसके बाद हमको यहाँ पे रहमान देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे मोहम्मद सिराज देखने को मिल जाते हैं, और गाइस जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एस ठाकुर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे महमूद देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे असलम देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अहमद देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे होसिन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये बिल्कुल लो परसेंटेज खिलाड़ी है। अगर देखा जाए तो गाइस ये जो खिलाड़ी है लो परसेंटेज होने के बाद भी इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो शायद हाई होने वाला है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो नए खिलाड़ी होते हैं वो पहले मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सामने वाली जो टीम होती है उनसे जब पहली बार भिड़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाली टीम जो है वो कितनी दमदार है, सामने वाला जो न्यू खिलाड़ी है वो कितना दमदार है, कितना अच्छा खेलेगा, किस तरीके से खेलेगा, वो सारा का सारा उनको पता नहीं होता है। तो जितने भी न्यू खिलाड़ी है वो तो आपको आपकी टीम के अंदर लेके ही चलना है, प्लस आपको क्या करना है हाई परसेंटेज खिलाड़ी और लो परसेंटेज खिलाड़ी का एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि पूरे
पूरे के पूरे लो भी आपको नहीं लेने हैं और पूरे के पूरे हाई भी आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। अब लेने किस तरीके से, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक जीएल की टीम बनानी है, ठीक है। तो सारा का सारा आपको देखना है, अभी पूरा का पूरा ध्यान से देखना और नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट दिख रही है आपको, ये सारी की सारी लिस्ट है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, और ये जो लिस्ट है ये है इंडिया के प्लेइंग 11 की। तो ये दोनों की दोनों लिस्ट को आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो गाइज अब हम चलते हैं विकेट कीपर की तरफ, और विकेट कीपर के अंदर अपने को कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको रहीम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके जो परसेंटेज है, सिलेक्शन परसेंटेज वो कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 54% लोगों ने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमको यहाँ पे खिलाड़ी दिखते हैं वो है लोकेश रावल। अब इनके जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो भी आप देख सकते हो, 70% लोगों ने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऋषभ पंत का जो चांस है वो इस मैच के अंदर कम है, मतलब ये खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, वो तो आपको बाद में भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं श्योर हूँ कि ये नहीं खेलेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनका पिछला जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा, तो इनको टीम में नहीं लेंगे, तो यहाँ पर इनको छोड़ ही देना आप, ठीक है। तो गाइज इनके बाद हमको यहाँ पे ईशान किशन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से खिलाड़ी हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, ऊपर ही ऊपर से ये वाला खिलाड़ी लेना है, और नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे क्या करना, आपको ईशान किशन को भी आपकी टीम के अंदर लेना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, और देखा जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी मस्त है। अभी पिछले ODI के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो भाई लेना आपके लिए सही रहेगा इनको, तो यहाँ पर इनको ले लेना, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप इनको भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको ले रखा है, तो आप इनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये फर्स्ट बैटिंग करने वाले हैं, तो भाई रन तो बना के देने ही है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लोकेश राहुल को छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन से, ठीक है। तो गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर गाइज आप एक टीम बना के चलोगे कि एक टीम बना के मैं GL के अंदर जा सकता हूँ या फिर मैं नंबर 1 के ऊपर आ सकता हूँ, तो ये आपकी थोड़ी सी भूल होगी, क्योंकि गाइज मिनिमम आपको क्या करना है, 3 टीम तो बनानी, क्योंकि 3 टीम के अंदर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे खिलाड़ी ले सकते हो, या फिर आपका जो कॉम्बिनेशन सेट है वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो गाइज आपको क्या करना है, मिनिमम 3 टीम बनानी है। एक टीम पे कभी भी डिफेंड मत रहना कि यार मेरी एक टीम बनाएंगे और एक टीम 1 रैंक पे आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी भरोसे मत रहना। आपको नॉर्मल 3 टीम तो बनानी ही पड़ती है, ताकि उससे क्या है कि आप डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपके जो खिलाड़ी है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और आपको ये लगे कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर करवा दूं। तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन से। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा बैटिंग वाला सेक्शन आ चुका है, और यहाँ पे हमको सबसे पहले देखने को मिलते हैं विराट कोहली। इनको क्या है कि ज़्यादातर लोग सी और VC बना के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ी सी टीम को अलग क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको यहाँ पर विराट कोहली देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर रोहित शर्मा देखने को मिल जाते हैं। इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान कैसे क्या रखना है, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपको इकबाल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको शिखर धवन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर लिटिन दास देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको एक गुमराह करने वाली बात बता देता हूँ, जो कि लोग गुमराह ऐसे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं चलिए बताता हूँ। जो भी खिलाड़ी ऊपर आते हैं ना, उनको क्या करते हैं, लोग ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये खिलाड़ी ऊपर है, ठीक है, तो इनको क्या है कि लोग ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो नीचे तक नहीं जाएंगे। मतलब नीचे कितने खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये नहीं देखेंगे। ये जितने भी खिलाड़ी है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप कम मत समझना। ये नीचे है इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे नहीं खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर दिख जाते हैं उनको ही क्या करते हैं, सिलेक्ट करते जाते हैं और ऐसे ही टीम बना देते हैं, ऐसे तुक्का लगाते हैं। तो इसके परसेंटेज लेवल जो है ये भी इनके हाई रहते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। इसलिए इनके परसेंटेज लेवल है वो हाई है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर लिस्ट के अंदर इनको ऊपर ही ऊपर रखा है, इसलिए
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना कि ये ऊपर ही ऊपर है तो इनको अपनी टीम के अंदर लेंगे तो ये अच्छा खेलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि नीचे वाले खिलाड़ी में से कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ और इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक GL की शानदार टीम बनानी है। ठीक है, GL की, तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको विराट कोहली को तो आपकी टीम के अंदर एड करना ही करना है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये अभी नए हैं, मतलब नए का मतलब ये है कि ODI के अंदर ये नए खिलाड़ी है। ठीक है, विराट कोहली पहले ODI नहीं खेले थे, इस बार का तो इस बार का ये नए खिलाड़ी है, तो इस बार ये फर्स्ट बार अच्छी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार जब भी कोई नया आता है तो वो अच्छी परफॉर्म करके ही जाता है, क्योंकि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो ख़राब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो ये है। ठीक है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी ज़्यादा है, वो ज़्यादातर लोग इनको भी CVC बना के चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इनको तो आपको टीम के अंदर रखना ही रखना है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो है इकबाल। ठीक है, ये भी खेलने में काफ़ी शानदार खिलाड़ी है, तो आपको क्या करना है, इनको भी आपकी टीम के अंदर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आओगे ना, तो आपको यहाँ पर नीचे से एक खिलाड़ी को लेना है, कोई एक खिलाड़ी लेना है जो कि मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो ये खिलाड़ी आपको नीचे से लेना है, और जैसे ही आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको लिटिन दास को लेना है, फिर यहाँ पर आपको श्रेयस अय्यर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको चार बैटिंग करने वाले में से चार खिलाड़ी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो चार खिलाड़ी है वो आ जाएंगे, और वो मेन इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। ठीक है, और यहाँ से आपको कौन से खिलाड़ी को लेना है और आपके लिए कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको खिलाड़ी को चेक कर लेना है कि कौन से खिलाड़ी हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। ठीक है, ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर वाले सेक्शन से मिलते हैं, तो इनमें से आपको कौन सा खिलाड़ी लेना है, इनमें से आपको ज़्यादा खिलाड़ी नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑलराउंडर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग टीम के अंदर अलग अलग रख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था तीन टीम बना के चलनी है, एक टीम पे कभी भी ये नहीं रहना। ठीक है, तो पहली टीम के अंदर आपको क्या करना है, एक खिलाड़ी आपको लेना है, वो भी क्या करना है, आपको सुंदर को लेना है। ठीक है, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो भाई इनको सबसे पहले ऐड कर लेना आपकी टीम के अंदर। फिर आपको क्या करना, आना है बॉलिंग वाले सेक्शन से, यहाँ पर आपको एक खिलाड़ी को लेना है यहाँ से, और फिर आना है बॉलिंग वाले सेक्शन से। अब आपको जो मेन खेल है वो बॉलिंग वाले सेक्शन से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बॉलिंग वाले सेक्शन पर चले जाना है, और यहाँ से आपको खिलाड़ी को चुनना है। तो वो किस तरीके से, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिया की टीम से आपको दो खिलाड़ी को चुनना है, यहाँ पर आपको दो खिलाड़ी को चुनना है, मोहम्मद सिराज को चुनना है, इसके बाद यहाँ पे एस ठाकुर को चुनना है, और जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अहमद को चुनना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे वापिस इंडिया से आपको मोहम्मद शमी को चुनना है। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, एक GL की टीम बनानी है जिसके अंदर लो और हाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है लो और हाई का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, ये देख सकते हो, ये हाई परसेंटेज खिलाड़ी है और ये जो है ये लो परसेंटेज खिलाड़ी है, ये आप देख ही सकते हो, ये दो लो परसेंटेज है और दो हाई है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपकी जो टीम है वो बन के रेडी हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि CVC किस तरीके से रखते हैं, तो कौन सा रखना है आपको CVC के अंदर, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे का सारा परसेंटेज लेवल चेक करना है कि किसका सी का परसेंटेज लेवल ज़्यादा है, जिसको लोगों ने ज़्यादा सिलेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सी बना रखा है लोगों ने, वो किसको बना रखा है, विराट को। विराट का सी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सी और VC इनको चुन रखा है। तो भाई आपको थोड़ा सा अलग करना है, तो भाई आपको सी और VC किस तरीके से चुनना है, तो चलिए बताता हूँ। आपको क्या करना है, सी तो रखना है लिटिन दास को, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सी तो आपको लिटिन दास को रखना है, और आपको VC जो चुनना है वो आपको रखना है ऑलराउंडर से। ठीक है, ये ऑलराउंडर है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, VC चुनना है। तो यहाँ पर आपको VC चुनना है, और कुछ इस तरीके से आपको आपकी टीम दिख जाएगी। यहाँ पे मैंने CVC किस तरीके से चुना है ये देख सकते हो, सारे के सारे लोग विराट कोहली को CVC बना रहे, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिक्स ली है, और रिक्स हमेशा GL की टीम रिक्स लेती है, क्योंकि रिक्स के अंदर ही आपको
फर्स्ट रैंक देखने को मिलती है, और जो फर्स्ट रैंक पे जाता है उनकी कभी भी टीम देखना इस तरीके का कॉम्बिनेशन ही बनाता है। तो गाइस यहाँ पे हमने रिक्स कहाँ कहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। सबसे पहले हमको यहाँ पे ईशान किशन को लिया है, इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने रिक्स लिया है यहाँ पे वीसी बनाने के ऊपर, सुंदर को हमने यहाँ पे वीसी बनाया है, ठीक है। फिर हम जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे मोहम्मद शमी को लिया है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे अहमद को लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, और कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पे रिक्स भी उठाई है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी जो टीम है ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ये देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे CVC चेंज कर सकते हो, यहाँ पे खिलाड़ी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे खिलाड़ी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे खिलाड़ी चेंज कर सकते हो, सारा का सारा आपके हाथ में। आप जैसे बनाओ वैसे बन सकती है टीम। अब गाइस आपके हाथ में है आपकी टीम किस तरीके से बनानी है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से अगर आप टीम बनाओगे तो आपकी टीम जो है वो 1 रैंक के ऊपर आ सकती है। तो मैंने आपको पूरा दिल से बताया है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी अगर ऐसी ही प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।